देखिए हस्तकला यहाँ पर एक पत्थर पे बनी हुई है। तो ये हमारे बिल्लागढ़ की चौरी का मंदिर है। कोई भी बच्चे हो तो ये गंदगी बिल्कुल ना करें भाई, एक भी रैपर नहीं छूटना चाहिए, आप ढंग से देखें। और एक और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो गाइस आपने शुरुआत में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है। तो गाइस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू करते हैं एक सुंदर सी रवाई घाटी की पहाड़ियों से। ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए गाइस लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम निकलते हैं भ्रमण पर, मेरे साथ रिंकेश रावत, स्वराज रावत और परवेश रावत जी मौजूद हैं। अब चलते हैं आगे की ओर, कहाँ जाना है ये हमें कंफर्म पता नहीं है, लेकिन आपको दिखाएंगे प्यारी प्यारी सीनरियाँ। जुड़े रहिए हमारे साथ। मित्रों हम पहुँच चुके हैं सौली की तरफ, हम जा रहे हैं थोड़ा आगे की तरफ, थोड़ा भ्रमण कर रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। हम पहुँच चुके हैं सौली बैरियर की तरफ। दोस्तों जो ये मंदिर है ये काफी लेट हो चुका है हमारे लिए, शाम के भी लगभग 4 से 5 बज चुके हैं, लेकिन अभी हमको अपना रास्ता तय करना है। कहाँ जाना है ये हमें कभी कभी कन्फर्म नहीं है कहाँ जाना है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे आपको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सीनरियाँ दिखाएंगे। हमारे साथ और हमारे प्रिय दोस्त रिंकेश भाई जी के साथ, और हमारे साथ स्वराज रावत जी, और उनके ठीक पीछे बैठे हुए हमारे छोटे भाई विकेश रावत जी। फूलों की घाटी हौस जगोनिया यूं पड़ी डानी, प्यारी प्यारी सी यहाँ पर सीन आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं प्यारे से पहाड़ यहाँ पर, कभी आइए हमारे उत्तराखंड में, देखिए यहाँ की जन्म, प्यारे प्यारे टेम्पल, प्यारे प्यारे टेम्पल। और हमें अभी कुछ दिखा है यहाँ की जानकारी, हम भी आपको देंगे। हमारे रिड़वा भाई मिल चुके हैं यहाँ, आप देख सकते हैं। प्लीज प्लीज क्या और सब बढ़िया, क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, सब बढ़िया? चलो ठीक है, आपसे मुलाकात होती रहेगी। चलिए और हमारे दो ड्राइवर यहाँ पर देख सकते हैं, स्वराज रावत जी और हमारे जाने माने पहचाने ड्राइवर रिंकेश भाई। जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, गंगा जमुना अच्छा बद्री केदार, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ यहाँ पर मेरे भाई जुड़ चुके हैं परवेश राव जी, और ठीक जो सामने आपको दिख रहे होंगे ये हमारे स्वराज राव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे कैमरे के जो पीछे हैं वो हमारे रिंकेश राव जी हैं। तो गाइज आज हम मार्केट से घूमते घूमते निकले तो हमें एक ऐसी जगह मिली जो सोचने विषय है। वो सोचने विषय क्या है ये आपको आगे बताएंगे परवेश राव जी, क्या इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, आज मैं अपने भाइयों के साथ हमारे रमाई घाटी के सुप्रसिद्ध मंदिर जहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा है रुद्रेश्वर महाराज जी के मंदिर में आए हैं, और रुद्रेश्वर महाराज जी के मंदिर का निर्माण हमारे रमाई घाटी के बिल्लागढ़ में हो रहा है, और यह पहले यहाँ पर बिल्ला गांव हुआ करता था जो आज नहीं रहा, वह गाँव अब मंजियाली गाँव नाम से प्रसिद्ध है। हमारे रुद्रेश्वर महाराज जी के 4 थान हैं, कंडाव, बजलाड़ी, देवसारी और तीना, लेकिन एक और है जो हमारे एक साल में एक बार मेला वहाँ जरूर होता है, वो है देवराणा, और उन्हीं की तरह एक दूसरा मंदिर जो हमारा बनने वाला है वो है बिल्ला, बिल्ला में जो बनेगा। और हमारे ये हमारे बिल्लागढ़ की चौरी का मंदिर है। कहा जाता था कि पहले यहाँ पर जो बिल्ला गाँव था उनका जो बिल्ला चौरी बोलते हैं। यह मंदिर हमारे यमुना माता जी के तट पर बन रहा है, और यह नेशनल हाईवे 507 पे बिल्कुल नजदीक है। गाइस आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर जो है फाउंडेशन तैयार हो चुका है, और यहाँ पर मटेरियल भी आप देख सकते हैं, पत्थर काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर आ रखे हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो मंदिर का जो निर्माण कार्य जो हो रहा है ये आप देख सकते हैं, लगभग फाउंडेशन आपकी तैयार है। तो गाइस अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई मेन बात जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पर जो इतनी सारी जो गंदगी करी है
यहाँ पर जो है रमाई घाटी में जो प्रसिद्ध मंदिर जो बनने जा रहा है उसी के ठीक बगल में अगर आप गाइस मंदिर के प्रांगण में ऐसी गंदगी बिल्कुल ना करें, और जो कोई भी भाई हो बाहर से आए हुए हमारे मेहमान हो, रमाई घाटी के कोई भी बच्चे हो, तो ये गंदगी बिल्कुल ना करें। तो गाइस जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं ये देख सकते हैं आप, भाई एक भी रैपर नहीं छूटना चाहिए, आप ढंग से देखें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पुरानी चीजें हमको मिली है, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये बनावट रही होगी, ये आप देख सकते हैं ये बीम जो पड़े हुए हैं चारों तरफ, आप देख सकते हैं। और थोड़ा कैमरा मैन को मैं बोलना चाहूँगा ये दिखाइए, यहाँ पर देखिए हस्तकला यहाँ पर एक पत्थर पर बनी हुई है। तो इस उत्तराखंड में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ थोड़ा आगे की तरफ आइए, चारों तरफ आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से इस लकड़ी पे जो है हस्तकला की गई है, काफी पुराना मुझे लगता है ये पे यहाँ पर आपको दिखाएंगे प्यारी प्यारी सी जगह और प्यारी प्यारी सी सुंदरियां। तो जुड़े रहिए UK07 के साथ। वीडियो हमारी कैसी लगी, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, कमेंट्स जरूर करें दोस्तों। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में, मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।